तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल टेकअप में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लैब केयर बैटरी जो कि लैपटॉप में लगाई थी हमने, आपको एक साल पहले करीब वीडियो बना के दिखाई थी, उस पर आप सभी लोगों ने काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी करे और पॉजिटिव कमेंट्स भी करे। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे क्या रिव्यू रहा, अच्छी रही, ख़राब रही, इसका लेना ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसकी वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ हमें 1200 के या 1300 के आसपास पड़ी थी, मुझे आइडिया नहीं है कितने की पड़ी थी, बट अगर मैं इसका आपको रिव्यू बताऊं, जैसे कि मुझे पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिले थे, लेकिन अभी क्या है कि जैसे ये 11 महीने ही इसको यूज़ करते हुए हुए थे, तो 11वें महीने में पूरी बैटरी डेड हो गई, और डेड होने के बाद में मुझे लैब केयर जाना पड़ा, और लैब केयर जाके सेंटर से मुझे इसको रिप्लेस करके नई बैटरी लेके आनी पड़ी। तो यहाँ पर मेरे पास ये नई वाली बैटरी है, और ये वाली बैटरी रिप्लेस हुई थी, तो ये इसकी दूसरी बैटरी है, इसमें पहले एक और बैटरी लगाई थी हमने, लैब केयर की ही लगाई थी, तो वो ख़राब हो गई थी, वही बैटरी है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए केवल रख रखा हूँ, बाकी इसका रिव्यू मेरी तरफ से बिल्कुल बेकार रहा। आपको अगर लैब केयर की बैटरी लेनी है तो आप ऑन एवरेज ये मान के चलिए कि एक साल तक आप यूज़ कर लें बस काफ़ी है, क्योंकि एक साल भी ये नहीं चली, 11वें महीने में ही ये ख़राब हो गई। दूसरी बात, अगर आपको लैब केयर की बैटरी की थोड़ा अच्छे से चलानी है तो आपको रेगुलर यूज़ पे लेना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे हैं लैपटॉप को या किसी भी डिवाइस को अपने जिसमें आपने लैब केयर की बैटरी लगा रखी है, तो वो डिस्चार्ज हो जाती है और फिर दोबारा चार्ज नहीं होती। मेरे केस में यही हुआ था कि कुछ टाइम के लिए मैं बिजी हो गया था, तो 15-20 दिन तक मैंने लैपटॉप को यूज़ नहीं करा था, इसके चलते बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गई, उसके बाद में चार्ज ही नहीं हुई। बट फाइनली मैं इसको चेंज करके लेके आ गया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। बाकी आप को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं सिर्फ इसका हॉनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ मेरे साथ इसका क्या हुआ, और उधर पे रिप्लेस करने में भी मुझे काफ़ी सारा उसमें इशू आया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।